सबको नमस्कार। दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है। उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये जरूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये दो सेक्टर्स खोले थे। पिछले एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं, 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज़, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तैयारी करें, ताकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर बहुत भयानक होती है, तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने दो अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की, हमने दो कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। एक चीज़ हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के
इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज़्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी होगी, उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है, 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, अब कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है, वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, कितने जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा उसका, अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, उस वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई, 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की, ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में, तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक के हिसाब से हम काम करेंगे तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6,000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। दवाइयों को लेकर दो अहम निर्णय किए गए, एक तो ये कि इस वेव में ये देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेजी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयाँ खूब तेजी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी, अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये, दूसरा जो जो इम्पोर्टेंट दवाइयां हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना बफर, कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स किस दवाई की कितनी है, एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है ताकि अगर जरूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो
तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा दो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में और आईएलबीएस में, ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल चर्चा हुई, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पूरी तरह से 24 घंटे लगी हुई है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे।